नमस्कार, वेलकम टू द इग्नो फेयर। तो जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी कि यूएसए ऐसा करने वाला है, और कल मैंने इससे रिलेटेड जो है आपको न्यूज कवर की थी, और आज देखिए आज देखेंगे तो कल से ही सभी जो है न्यूज एडिटोरियल्स में, चैनल्स में आपको ये न्यूज छाती हुई मिलेगी कि हाँ जो है यूएसए वांट्स सैंक्शंस आफ्टर चाबहार डील। तो क्या भारत पर जो यूएसए सैंक्शन की धमकी दे रहा है, क्या उससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला है? ध्यान दीजिएगा, इस डील के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरा चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत का हो गया है। मैंने कल इसको कवर किया था, इसी में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूएसए की चेतावनी को भारत को सीरियस लेना चाहिए, सवाल यही उठता है। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए यूएसए ये पहली बार नहीं यूएसए चेतावनी दे रहा है। देखो यहां पर चाबहार बंदरगाह है, अब चाबहार बंदरगाह पे भारत का कब्जा हो जाना, पूरा 10 साल के लिए जो है भारत के अधीन हो जाना, और ये ध्यान देना ये डील जो है ऑटोमेटिक 10 साल पे रिन्यू होगी। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि यहां से भारत क्या करेगा, भारत यहां पे जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान के अलावा जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां पर तो अपने व्यापार को बढ़ा ही सकता है। साथ ही यहां से अजरबैजान होते हुए यहां पे ये डायरेक्ट ईरान से क्या होगा, इधर रशिया को कनेक्ट कर देगा, और ऐसे रशिया ईरान होते हुए क्या करेगा, इधर भारत को की तरफ व्यापार को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाएगा। अब ऐसे भारत को जो है यहां पे मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए और रशिया तक कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना। अब यहां पर सवाल एक और उठता है, यहां पर देखिए चीन की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन देखिए चीन कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन क्यों नहीं बोला, देखो यहां ग्वादर जो बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह पर चीन का अधिकार हो गया, और वहां पर भारत का जो के लिए जो व्यापार था वो लिमिटेड हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसे में देखो यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है मिल जाने से चीन अंदर से तिलमिला जरूर रहा है, लेकिन चीन अंदर से तिलमिला के बोल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा दुख होता है वो हमारे दुश्मन का जो दुख होता है उसको देख के हमें सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखो भले अंदर से उसको दुख है, लेकिन क्या हो रहा है, वो यूएसए का जो यहाँ पर दुख है, जो यूएसए की तिलमिलाहट है, उसको देख कर उसको सुकून मिल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार को यूएसए पर जो के सैंक्शंस का किसी भी तरह से डर होना चाहिए, क्या भारत सरकार पर यूएसए सैंक्शन लगाएगा? ठीक है, और भारत सरकार को इससे कितना फर्क पड़ता है, तो इस पे हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। देखो ये जनसत्ता का की न्यूज़ थी, जनसत्ता ने भी इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहा यूएसए ने, यूएसए ने कहा कि एनीवन कंसीडरिंग बिजनेस डील्स विद ईरान, अगर कोई भी ईरान के साथ अगर बिजनेस डील करता है तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अगर यूएसए ऐसा करता है तो भारत को क्या फर्क पड़ता है? भैया ये कोई पहली बार नहीं है, आप एक बार समझिएगा, एक बार सोचिएगा। देखिए अभी 2022 की बात है, याद है 2022 में भी अमेरिका ने क्या कहा था, अमेरिका ने कहा था भारत से कि देखो अगर जो है आप जो है रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दो, रूस के साथ अगर क्रूड ऑयल आप खरीदोगे तो हम क्या करेंगे, अगर ऑयल आप खरीदोगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। और लेकिन क्या हुआ उससे, यहाँ तक कि यहाँ के यूएसए के डिप्टी एनएसए थे, एनएसए ने भी साफ साफ वार्न किया था कि जो है भारत जो है रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतना सब करने के बाद भी भारत ने क्या किया, भारत ने इन सभी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था, और भारत ने सिर्फ इन्हीं वार्निंग्स को इग्नोर ही नहीं किया बल्कि रूस के साथ बंपर तेल खरीदा था भारत ने। ठीक, बंपल तेल खरीदा था, कितना खरीदा था, लगभग मान के चलिए $2.5 बिलियन का जो है क्रूड ऑयल भारत ने जो है परचेज किया था, कहाँ से, रूस से। अब आप देखिए, अब इससे आपको क्या पता चलता है कि रूस की चेतावनी का भारत पे क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, आपको याद होगा S-400, याद है S-400 की परचेज के लिए भी ये वार्न किया गया था यूएसए की तरफ से कि भारत रूस से ना खरीदे, लेकिन इसके बाद भी रूस ने भारत से खरीदा था। और ध्यान देना, अमेरिका भी भारत की जो है आज के भारत को समझता है, और इसी वजह से अमेरिका में ये बाकायदा जो है सैंक्शन से एक मतलब रूल पास करके, प्रस्ताव पास करके इसके बाद में भारत को इस सैंक्शन से एग्जिट दिया गया था। ठीक है, कि भारत पे किसी तरह के सैंक्शन इससे संबंधित नहीं लगाए जाएंगे। तो आप ये समझिए, अब फिर से अमेरिका वही कर रहा है। तो जब दो बार भारत इग्नोर कर चुका है तो इस बार भारत कितना सीरियसली लेगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लेकिन अब वही है कि यहाँ जो है देखिए ऐसा नहीं है, देखिए भारत अमेरिका को भी अच्छा साथी समझता है। ये देखिए पहले का आर्टिकल है, पहले की न्यूज है, जब एनएसए ने जो है 2022 में यहाँ पे लॉन्च इसको भारत को वार्न किया था कि भैया जो है अगर रूस से आप तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन कोई फर्क भारत को नहीं पड़ा था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें देखो जो है सबने कवर की हुई है, बहुत सारी न्यूज ने इसको कवर किया हुआ है कि हाँ यूएस वार्न्स ऑफ सैंक्शंस आफ्टर इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट डील। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 साल के लिए जो ये डील हुई है भारत की, ये इस पे भारत को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो जो है अमेरिका कितना भी गुस्सा रहे, लेकिन अमेरिका को भारत एक अपना अच्छा साथी जरूर समझता है, लेकिन वो अमेरिका के दबाव में भारत नहीं रहना चाहता। इसको ध्यान रखना होगा आपको कि भारत अमेरिका के ही नहीं, भारत किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, ये आज का भारत है। और जो अमेरिका
कितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन फाइनली भारत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। अगर अमेरिका ऐसे सैंक्शन लगाता भी है तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो है को शायद नुकसान ना होके अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों अच्छा बायलेटरल ट्रेड करते हैं। ऐसे में दोनों के व्यापार को नुकसान होना, और अमेरिका आप अच्छे से जानते हैं अमेरिका कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए हाँ, एक चीज़ जरूर देखी जा सकती है, थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि आज की डेट में अगर किसी देश पर सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं तो रूस के बाद में ईरान ही है। सबसे ज़्यादा सैंक्शन आज की डेट में रूस पर लगे हुए हैं और रूस के बाद ईरान है, ठीक है। और भारत रूस के साथ भी बढ़िया से व्यापार कर रहा है और ईरान के साथ भी भारत का व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है। तो भारत को कोई खास फर्क पड़ना नहीं है इसके लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत यूएसए के जो सैंक्शंस हैं उनकी ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत इस चीज़ से बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है कि यूएसए भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह से, आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करे, ठीक है। तो जब जब भारत यूएसए भारत के जो है आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता आया है, तब तब क्या हुआ है, यूएसए ने को साफ साफ भारत ने इग्नोर किया है और कुछ नहीं किया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे आपसे मैंने हाल ही में न्यूज़ कवर की थी और मैंने बताया था कि जो है चीन जो है भारत का जो है एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है, यहाँ तक कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस ये दिखाता है कि भारत और चीन के बीच में भी रिश्ते थोड़ा सा सुधर रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी लगभग 18-19 महीने पहले की बात है, क्या हुआ कि यहाँ जो है अभी मतलब हाल ही की बात है और इसमें लगभग 17-18 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि जो डिप्लोमेसी टॉक चल रही थी भारत और चीन के बीच में, तो उसमें क्या किया जो है चीन ने दोबारा से अपना जो एम्बेसडर है वो भारत में डिप्लॉयड किया, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसके रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो लेकिन अमेरिका की ये तिलमिलाहट देखने को मिलती है कि यहाँ जो है अगर चाबहार पोर्ट पे टेक्निकलिटी क्या है, चाबहार पोर्ट पे देखो ईरान में इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन ईरान ने जब 2018-19 में भारत से चाबहार पोर्ट के लिए डील हुई थी तो ईरान ने पर्टिकुलर उस डील के लिए जो है यूएसए से के सैंक्शन से एग्जिट लिया था। लेकिन अब यूएसए इस डील को, जबकि ये पुरानी डील है, लेकिन इस डील को एक नई डील की तरह देख रहा है कि एक नई डील है और इसी वजह से उस पर जो है सैंक्शन इम्पोज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ जो है बाकी इस तरह की न्यूज़ मैं डेली आपके सामने कवर करूँगा और लेकर आऊँगा आपके सामने, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि देखिए बीबीसी ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है कि चाबहार पोर्ट यूएसए सैंक्शन पॉसिबल आफ्टर इंडिया ईरान पोर्ट डील, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर देखने के लिए जो है कल की क्लास जरूर देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इस सुबह जो है क्लास जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए डेली सुबह 8 बजे होती है और इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स को और एडिटोरियल एनालिसिस दोनों को कवर करते हैं, प्री प्लस मेंस के हिसाब से करते हैं, जिसमें आपको मॉडल क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए और मेंस के दोनों दिए जाते हैं। इसलिए आप सुबह 8 बजे लाइव आ जाया करिए, बिना किसी लिंक के आप अपने आप आ जाए करिए। बाकी ये कोर्स हमारा ये पेड फाउंडेशन बैच है जो इसी यूट्यूब पे चल रहा है, अगर किसी भी तरह की आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से 8896106183 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।